राष्ट्रीय स्तरीय होली उत्सव सुजानपुर के स्थानीय कलाकारों ने मंच पर पहली सांस्कृतिक संध्या का आगाज किया। इस दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर, उपायुक्त हरिकेश मीणा, मेला अधिकारी एसडीएम शिल्पी बेगटा, एसपी अरजीत सेन ठाकुर सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। सांस्कृतिक संध्या के दौरान पहुंचे मुख्य अतिथि अनुराग ठाकुर एवं विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र कंवर को शॉल, टोपी व समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हालांकि लगातार बारिश के चलते कम ही लोग होली मेले में पहुंच पाए। करीब साढ़े नौ बजे बॉलीवुड गायिका मंच पर पहुंची तो उन्होंने संदली संदली नैना विच नाम मुंडिया गाकर पंडाल में मौजूद युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। बॉलीवुड गायिका संचिता भट्टाचार्य और पंजाबी गायक के गानों पर रात 12 बजे तक लोगों ने गानों का लुत्फ उठाया। रात 9 बजे केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर के कार्यक्रम से चले जाने के बाद विशिष्ट अतिथि पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने रात 12 बजे तक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। पंचायती राज मंत्री ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को होली मेले की बधाइयां दी और कहा कि मेला पौराणिक है और मेलों से आपसी भाईचारा बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इस मेले में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं को दर्शाती हुई प्रदर्शनियां लगाई गई है। बहुत शुभकामनाएं देता हूं पूरे प्रदेशवासियों को। एक ऐतिहासिक मेला जिसकी आज यहां से शुरुआत हुई है, ये हर वर्ष की तरह जो है वो इस होली को जो है वो मनाया जाता है और हम तो बचपन से ही इस मेले में आते जाते रहे हैं और यहां पर जहां पर बहुत सारे क्षेत्र के लोगों का यहां पर संगम होगा, वहीं पर यहां पर सरकार के द्वारा जो है वो प्रदर्शनियाँ भी लगाई गई हैं जो कि इस देश की केंद्र की सरकार की योजनाएं, प्रदेश की सरकार की योजनाएं, उनके प्रति जो है वो जनता को जो है वो एक जन जागरण करना भी साथ में एक उद्देश्य रहता है। यहाँ से जो लोग प्रदेश की योजनाओं का जानकारी लेकर के जो है वो लाभ भी उठाएंगे। मैं इस मेले के लिए जो है आयोजन के लिए जहाँ जिला प्रशासन को और सभी को जो है वो क्षेत्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, जिससे लोगों को फायदा मिलेगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से एस सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।